फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ पर सेफ होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो आशा करती हूँ आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखेंगे और देख कर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वहाँ मैं 4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं दिखाती हूँ आज का रूटीन। तो चलिए मेरे चलती हूँ। मेरी बन रही है चाय मेरी और अम्मू की, क्योंकि बेटू और उनके पापा पीके जा चुके हैं। बेटू स्कूल जा चुका है और अब मैं और अम्मू पूरी चाय। आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। रात के बर्तन धुले रखे, इनको स्टैंड में लगाना है। पहले पी लेती हूँ चाय, फिर ये सारे काम करती हूँ। देखो भैया, मालिक अकल लग गए अपने काम में। नहीं, जब इनकी मिट्टी जम जाती है ना तो पानी नहीं सूखते जल्दी ना। ये भैया मेरे खूबसूरत से गुल। पर बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें कुछ निकल ही नहीं रहा है। मिर्च में निकलने लगे हैं फूल। जो लौकी के सारे बच्चे मर गए। चढ़ के देखो लौकी का क्या पोजीशन, आराम से। चलो चलो, तो इसमें सब पानी नहीं डाल देना आप। हम चल रहे हैं कुछ किचन का काम देखते हैं। बच्चे सारे चले गए हैं, मैं सारे समेट देती हूँ। हम लोग सुबह उठते तो अपना कमर छोड़ देते हैं पहले,
तकिए कवर उसको उतारे थे धुलने के लिए, ये डाल दूंगी। बेडरूम मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अब चाहे मैं थोड़ा किचन का काम निपटाऊंगी। चादर निकाल रखे, इसका किनारा मोड़ूंगी और फिर काम देखेंगे। तो 10:30 बजे देखिए धूप काटने को डाल रही है, कितनी भयानक धूप हो रही है। 10 बजे लेकिन कोई बाहर नहीं, सब अंदर है। मेरा रूम का काम निपट चुका है, अब मैं किचन फटाफट समेट लेती हूँ। सबको गाय नाश्ता वास्ता करके जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। किचन समेटूंगी, फिर दोपहर में पालक की दाल और चावल बनाऊंगी, क्योंकि हम ही दोनों खाने वाले हैं। तो दाल चावल बना लेंगे, फिर कुछ मशीन का काम लेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ले चलती हूँ आपको किचन में। 5:30 बजे मशीन की तरह किचन की तरफ ये पूरा समेटूंगी। सिंह में बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, और ये दाल पालक की दाल चढ़ाऊंगी, चावल बनाऊंगी, फिर देखूंगी मशीन का काम। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं चल रही हूँ मशीन चलाने, मुझे टेप ले लिया है, थोड़ी सिलाई बाकी कर लेती हूँ फटाफट। एक पैंट सिल के रखी थी, उसकी थोड़ी सिलाई बाकी रहेगी, उसको बाद में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लेकर आ गई हूँ इंची टेप अंदर रखा था, खास सिलो कर लेती हूँ। अभी मैं अपना सिलाई का काम कंप्लीट करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं अपनी सिलाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ पैंट तो मोड़ दूँगी। ये पैंट बनकर रेडी हो गई। अगर मैं टेलर के यहाँ सिलाती तो इसके 250 रुपये मांग रहा था, और मैंने अपना दिमाग लड़ा के इस पैंट को कंप्लीट कर दिया है। इसको पहन के देखिए इतनी फिट आई है, कुछ कहें। जब सूट तो सिली गया है, पहन के किसी दिन दिखाऊंगी आपको खुद। तो अगर अपने हाथ में हुनर है तो बनाने में क्या परेशानी, कोई भी कपड़ा ना बना सकते, ना मुमकिन थोड़ी ना है। नामुमकिन को मुमकिन करना हम, और नामुमकिन को मुमकिन करना हम लोगों का काम है। तो देखिए मेरी पैंट बनकर रेडी हो गई, हम लोगों के हाथों में जादू होता है, तो इसलिए मेरी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। बच्चे आ गए स्कूल से, मैं उनको नाश्ता सा दे देती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। पैंट और ये इसका कुर्ता, ये देखिए ये दोनों बनकर मैं रेडी हो चुके हैं।
और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कैसा बना है।